एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा कि पिताजी आप ये चिता भस्म लगा कर मुंड माला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करे पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। गणेश जी की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराए और अपने पूर्व रूप में वापस आ गए। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।